आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, अब देसी गाय खरीदने पर 40,000 रूपए सहायता राशि दी जाएगी। योगी सरकार प्रदेश में स्वदेशी नस्ल गोपालकों को मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत ये धनराशि देगी। दरअसल योगी सरकार राज्य में गोपालकों की आय बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी नस्लों की गायों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए ये सब्सिडी देने की घोषणा की है। अच्छा, इस योजना में अलग अलग फायदे होंगे। 10 किलो से ज्यादा दूध देने पर 15,000 रूपए अतिरिक्त मिलेंगे। जैसे गायों की अलग अलग किस्म पर, देखिए आप हरियाणा गाय द्वारा प्रतिदिन 6 से 10 किलो दूध देने पर 10,000 रूपए, 10 किलो से ज्यादा दूध देने पर 15,000 रूपए। इसके अलावा गंगातीरी गाय के 6 से 8 किलो दूध देने पर 10,000 और 8 से ज्यादा देने पर 15,000 रूपए योगी सरकार की तरफ से मतलब सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, सीएम योगी 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर है और यहाँ शहरवासियों को उन्होंने 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। 80 अलग अलग तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मथुरा दौरे के दौरान। वहीं दोस्तों अब आप मथुरा में नए अंदाज में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, क्योंकि सीएम योगी ने लाइट एंड साउंड शो का भी लोकार्पण किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लेजर एंड लाइट शो का सेटअप किया गया है। मथुरा में सीएम योगी बोले कि हेमा मालिनी सिर्फ अभिनेत्री होती तो क्या मिल पाते। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी भी उनसे मिल सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 9 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बोले कि मथुरा को जल्द ही वाटरवे और एयरपोर्ट की सुविधा भी मिलेगी, यानी मथुरा में भी जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान पर भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री बोले कि कभी हमारे खिलाफ साजिश रचता था, आज भूख से तड़प रहा पाकिस्तान। अच्छा, मथुरा के बाद आज नोएडा आएंगे सीएम योगी। यहाँ उनकी सुरक्षा में 2000 पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। आज रविवार को गौतम बुद्ध नगर में कुल 8 घंटे का उनका कार्यक्रम होगा। इस दौरान वो जिले को 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और मुख्यमंत्री नोएडा में एक रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीर भी रोबोट की। यहाँ रोबोट बनाए जाएंगे आधुनिक तकनीक के। और सीएम योगी के नोएडा दौरे के चलते कुछ रास्ते भी बंद रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई है इसको लेकर, तो ध्यान रखिएगा आप भी। वहीं नोएडा को लेकर सीएम योगी ने भी कहा कि जल्द ही यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बदलाव किए जाएंगे, इस संबंध में अधिसूचना भी जारी होगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, 2024 से पहले मानसून में पहला अनुपूरक बजट लाने की भी तैयारी में है योगी सरकार, जनता को बड़ा संदेश दिया जाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों अयोध्या से भी खबर है कि भगवान राम की नगरी चमकेगी। अयोध्या के कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सीएम योगी ने प्लान बनाया कि जल्द ही अयोध्या को इस तरह से बनाया जाएगा कि ये देश के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, फिल्म आदिपुरुष पर पूरी शंकराचार्य बोले कि इसके जैसी फिल्में हिंदुओं की सहिष्णुता का दुरुपयोग है, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। इस तरह की फिल्मों पर बनाने से पहले ही सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आने वाले एमएसएमई डे के मौके पर छोटे उद्यमियों को योगी सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 27 जून को एमएसएमई दिवस पर उद्यमियों को ये चेक सौंपे जाएंगे और साथ ही प्लेज स्कीम के तहत 3 पार्कों समेत कई योजनाओं का ऐलान भी सीएम योगी ने किया है। वहीं देखिए यूपी सीडा ने भी पूरी ताकत लगा दी उत्तर प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाने के लिए। यूपी सीडा मतलब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से भूमि पूजन समारोह के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा। 10,000 करोड़ का निवेश इम्प्लीमेंट करने का टारगेट रखा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आया था ना, उसको जल्द ही 21,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेगी इस निवेश से प्रदेश में लोगों को। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान की बेटी अंशुला को गिफ्ट में मिली करोड़ों की कोठी। ये कोठी उन्हें सीनियर आईपीएस रहे राजेंद्र मोहन की पत्नी अरुणा मोहन ने गिफ्ट की है। सोशल मीडिया पर इसकी कीमत कोठी के कागजात काफी वायरल हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी कुछ तस्वीरें भी। ट्रांसफर डीड का लेटर भी वायरल हो रहा है, जो भी आप देख सकते हैं। वाकई में दिल हो तो इतना बड़ा। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं से संपर्क साध रही कांग्रेस, 2024 का प्लान भी बनाया जा रहा आने वाले चुनाव को लेकर। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्दी मेट्रो से सफर करना और भी आसान होगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशनों से 125 नई बसों को लिंक किया जाएगा, जिससे कि मेट्रो स्टेशनों पर आना जाना लोगों के लिए आसान रहेगा। वैसे दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। लखनऊ की एक 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई कल रात को, जिसमें आधे घंटे तक 25 छात्र समेत 60 लोग फंसे रहे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में स्थित ट्रिनिटी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग लगी। वहीं लखनऊ में देश का पहला और अनूठा इप्को बाजार मदर यूनिट भी खुल चुका है। समाज सेवी संस्थाओं के लिए इससे बड़ी मदद मिलेगी, 15% छूट की सहायता भी दी जाएगी। साथ ही देखिए, लखनऊ में प्रोग्राम आयोजन हुआ, तुम मुझे यूं न भुला पाओगे, ये प्रोग्राम का टाइटल था। लता मंगेशकर और श्रीदेवी को समर्पित इस कार्यक्रम में मधुर संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां देखने को मिली। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बरेली जिले में अस्पताल प्रकरण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। एक बच्चे की जीभ की जगह उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर देने का मामला सामने आया था, एक डॉक्टर के द्वारा ये लापरवाही हुई, अब FIR भी की जाएगी उस पर। बताया जा रहा है कि बरेली में एक 2.5 साल के बच्चे को बोलने में दिक्कत होने के चलते परिजन डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे का खतना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अभी मेडिकल टीम कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी गई। अच्छा, खबर देखिए, कानपुर शहर
शहर के प्रवेश द्वार को देखकर पूर्व राष्ट्रपति ना खुश हुए, नाराज नजर आए वो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ कानपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने करीबियों से मुलाकात की और उनका कहना कि कानपुर के प्रवेश द्वार विकसित होने चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। पहाड़ों को काटकर रेल सुरंग बनाई जाएगी जल्द ही। सहारनपुर में शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे और यहां उन्होंने खलासी लाइन की शीवर लाइन का लोकार्पण भी किया और इसी दौरान बड़ी घोषणा की है कि जल्द ही सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी मंदिर तक भी ट्रेन चलाई जाएगी। 1.5 साल में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। वहीं देखिए, रामनगरी अयोध्या में पर्यटन की विविधता का भी विकास किया जाएगा। 37 प्रमुख मठ मंदिरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। अच्छा खबर है कि अब गंगा एक्सप्रेसवे पर आपातकाल में विमानों की लैंडिंग भी हो सकेगी, उतरने की सुविधा मिलेगी, मतलब क्योंकि इन एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां भी बनाई गई हैं। और चलिए दोस्तों, अब अपना आज के प्रदेश के मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी डेली की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और न्यूज अपडेट, योगी सरकार के नई योजनाएं, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, है ना। तो दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चलता हूँ मौसम समाचार पर। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के बीच प्रदेश के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए, वाराणसी में भी तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान भी चली गई। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में भी मानसून एंट्री कर जाएगा और इसी के चलते अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में तो अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी है। अयोध्या में भी लंबे इंतजार के बाद तेज बारिश देखी गई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। अगले 24 घंटों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। कुल दोस्तों, वाराणसी समेत पूर्वांचल में बारिश होने के चलते बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 लोग झुलस गए। पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में भी 10 लोगों की जान चली गई। इसीलिए बारिश के मौसम में सावधान रहें, घर में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब जब बिजली गिरने वगैरह जैसा माहौल हो रहा ना बादलों का। तो चलिए, मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, गोरखपुर से मुंबई के लिए चलेगी 2 समर स्पेशल ट्रेन। छपरा LTI वाया गोरखपुर और गोरखपुर बांद्रा चलाई जाएगी ये ट्रेन। इंडियन रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया। वहीं दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर भी निर्माण कार्य चलेगा। 3 एक्सप्रेस ट्रेन 30 जून से 4 जुलाई तक रद्द रहेगी। 30 जुलाई से 10 ट्रेनें और निरस्त रहेगी डेवलपमेंट कार्य के चलते, है ना। अच्छा खबर देखिए, महाराजगंज में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन। जिले के 216 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, 23 जोड़ों का निकाह भी कराया गया। वहीं एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आ रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जून महीने में 94% घरों में रोज बिजली कटौती का सामना देखने को मिला। इस सर्वे में राज्य के 56 जिलों के 14,000 से भी ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें से ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अभी इस जून महीने में प्रदेश में काफी ज्यादा बिजली कटौती हुई और कई जगहों पर तो प्रदेश में दिन रात बिजली कटौती को लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष बोले कि 70% बिजली रात में ही इस्तेमाल होती है। वहीं खबर देखिए, 25,000 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास का निर्माण टला। रामनगरी अयोध्या का ये अपडेट है। शासन से दूसरी और तीसरी किस्त न आने से लाभार्थी परेशान है। यानी दोस्तों, अभी पूरे अयोध्या जिले में 25,000 से भी ज्यादा प्रधानमंत्री आवास निर्माण का पैसा न मिलने की वजह से काम अटका हुआ है। अच्छा, वही खबर देखिए, बस्ती में SNCU में इलाज से सेहतमंद हुए 1,079 बीमार शिशु। बस्ती के जिला महिला अस्पताल में ये SNCU सेवा उपलब्ध है। यहाँ गंभीर बीमार शिशुओं को SNCU में भर्ती कराया जाता है, जो कि नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रही। SNCU का मतलब है सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट, जैसे ICU वगैरह होता है ना, वैसे ही बच्चों के लिए स्पेशल है ना। अच्छा, वही देखिए खबर दोस्तों, उन्नाव में बांगरमऊ SDM व तहसीलदार ने 3 CHC का औचक निरीक्षण किया। 16 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। कार्यवाही के लिए DM को रिपोर्ट भी भेजी। अच्छा, एक दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की इन्होंने और नव निर्मित RES अतिथि गृह का लोकार्पण भी किया। अच्छा, वहीं कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव कभी भी योगी की खिंचाई का मौका नहीं चूकते हैं, उन पर तीखे कमेंट करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की इस तरह की प्रतिक्रिया पर भी आखिर खामोश क्यों है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यही तो आखिर उनकी महानता है। अच्छा, वहीं उन्नाव में ट्रांसमिशन टावर की लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। 28 जून से कानपुर के लिए बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 18 करोड़ से बनाकर तैयार हुआ ये टावर। अच्छा, सहारनपुर में देखिए, एक नया मामला सामने आया। मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया कि मिनी स्कर्ट और नाइट सूट में मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है। सहारनपुर में सिद्ध पीठ श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर समिति की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया, जिसमें लिखा है कि लड़के लड़कियां मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि आजकल फैशन के दौर में अक्सर लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके मंदिर में आ जाते हैं। तो इसी को लेकर हाल ही में देश में कई अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले देखने को मिले हैं और इसी तरह का मामला अब सहारनपुर में भी सामने आया। अच्छा, अगली खबर देखिए, बैंक अदालत में 167 मामलों का निस्तारण एक ही दिन में हुआ। हाथरस में 35 लाख रुपए जमा किए गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर है, सावन महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन करना अब महंगा होगा। 300 रुपए की जगह 500
₹700 देने होंगे। सोमवार को 750 रूपए चार्ज लगेगा। मंगला आरती का शुल्क भी दुगुना कर दिया गया, क्योंकि अभी सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा आती है ना, तो इसी को मैनेज करने के लिए वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने सावन महीने में दर्शन और आरती के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। अब ये अलग अलग रेट आप देख सकते हैं, और भी ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कि सावन महीने के लिए अलग अलग काम के लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। यूपी के 3 विश्वविद्यालयों में 1875 पदों पर भर्ती का मौका, योगी सरकार की तरफ से नए पदों को मंजूरी दी गई, जिसमें शामिल है एक तो सहारनपुर के मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और महादेव सुहेल देव यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, है ना। और वहीं यूपी एसएससी 2018 के एग्जाम को लेकर भी रेलवे की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए कानपुर और लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इन स्पेशल रेलगाड़ी के नंबर ये हैं, जिनके जरिए आप रेलवे के पोर्टल पर टाइमिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब 10 जून तक त्रुटि संशोधन हो सकेगा और 30 जून तक अभ्यर्थी आवेदन भी कर पाएंगे। अच्छा, आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उपाधि पूरी ना कर पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। स्पेशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आप ₹5,000 फीस देकर के परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरंभ होगी 12 नई छात्रवृत्तियां। पूरा छात्रों की ओर से ₹60,00,000 का प्रतिदान भी मिला, कुलपति को चेक सौंपा गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, सोनभद्र के सभी थानों में हुआ समाधान दिवस का आयोजन, 128 प्रार्थना पत्रों में से 37 का मौके पर निस्तारण हुआ, एएसपी और सीओ ने सुनी समस्याएं। आगरा में विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को समय पर होगा भुगतान, ये आदेश जारी किया गया अपर मुख्य सचिव की तरफ से DVVNL की समीक्षा बैठक में। वहीं देखिए बलिया में औषधि केंद्रों का औषधि निरीक्षक ने किया निरीक्षण, जिला व महिला चिकित्सालय सहित 9 जन औषधि केंद्रों से लिए गए 18 नमूने। अच्छा, वहीं योगी सरकार का नया प्लान देखिए, औद्यानिक फसलों से बदलेगी बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की टीम ने कई फसलों को लेकर एक मॉडल तैयार किया, जिसको योगी सरकार तक भेजा गया। वहीं देखिए प्रयागराज में 13 बाल श्रमिक बच्चे मुक्त कराए गए, बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 12 स्थानों पर अधिकारियों ने छापेमारी की। अच्छा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को मिला A++ ग्रेड, VC केपी सिंह बोले कि यह बड़ी उपलब्धि है, राज्यपाल आनंदीबेन ने भी इनको बधाई दी। वहीं देखिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, जिला स्तरीय बैठक में ADM ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए। अच्छा, औरैया में आम आदमी पार्टी के हेमंत पोरवाल बने जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारियों ने खुशी जताई। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा, जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मऊ में DMSP ने थाना समाधान दिवस पर जन सुनवाई की, समस्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए, IGP इस दौरान शहर में मौजूद रहे। वहीं देखिए कौशाम्बी में भी कृषि अधिकारी ने खाद बीज की 35 दुकानों पर छापा मारा, 12 दुकानों से नमूने लिए गए, रख रखाव सही न मिलने पर लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज ने टच एंड गो अभ्यास किया, 12 किलोमीटर का एरिया भी सील किया गया, ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें इस युद्धाभ्यास की। वहीं संबल में भारतीय किसान यूनियन असली ने CMS को ज्ञापन दिया, फर्जी मेडिकल करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई की मांग भी की। वहीं देखिए कोर्ट ने SP देहात की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 2007 में हुए इस तरह के मामले में साक्ष्य के लिए SP देहात संबल को तलब किया। मिर्जापुर में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अपनी धरोहर व संस्कृति सहेजने का संदेश दिया गया, DM ने गांव को मॉडल बनाने की अपील की। आगरा में रक्षा मंत्री की जनसभा के लिए भूमि पूजन हुआ, आज आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आगरा का दौरा करेंगे, GIC ग्राउंड और कागरोल में जनता को संबोधित भी करेंगे। वहीं देखिए कानपुर आ रही फ्लाइट लखनऊ में उतरी, कानपुर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटता रहा विमान, बसों से पहुंचाए गए यात्री, कुछ तकनीकी खराबी के चलते बिना प्लानिंग के इसको लैंड करना पड़ा, है ना। और वैसे दोस्तों आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके जिले का नाम, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर से याद दिला रहा हूँ। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।